और खास करके रमजान के मौके पे मीनारा मस्जिद और मोहम्मद अली रोड में खाओ पियो। तेरा हो नमाज ये पाले रसूल है, सारी इबादतों में इबादत नमाज है। देखिए भाई मीनारा मस्जिद के पास का माहौल इतना ज्यादा यहाँ पे क्राउड होता है, देखिए सुभान अल्लाह। चार मीनार को देख रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल यहाँ पे चार मीनार बनाया गया है। अच्छा हैदराबादी हलीम है क्या भाई? हलीम कितने का? ये देखिए मुंबई का फेमस मार्केट है भाई, काफी अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पे, सस्ते सस्ते कपड़े आपको मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। ये जो ओगी का जूता है ना भाई, ये वाला जूता 1500 रुपए का मिलता है मार्केट में ना, मात्र 450 रुपए। मुंबई में आओ, 450 रुपए में जूता लेके जाओ। ये देखिए नाइट मार्केट भी लगता है पूरा, कितना माशाल्लाह। ये कुर्ता भी देखिए कितने का भाई जान, ये कुर्ता 100 रुपए में दो बेल्ट, एक के वहाँ में दो लेके जाएंगे। देख लो, दिखा लो, मौके लगे गिरा लो, हाथ डालो गिरा निकालो। अरे वाह 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 वाह, क्या। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह, हम लोग यहाँ पर मुंबई के मोहम्मद अली रोड में आए थे, जहाँ की देखिए मस्जिद की। क्या ये क्या चीज अंकल जी? चिकन सूप है, जवान सूप है। चिकन सूप है, जवान सूप है। जवान सूप भी है क्या? कितने रुपए का है ये? जवान सूप है इंडियन के लिए स्पेशल, दोनों हाथ से खाते इधर। गुर्दा भेजा सब, ये क्या है? ये गुर्दा बन रहा है देखो। और भेजा कहाँ है? भेजा अभी बन गया। ये देखिए सुलेमान उस्मानी मिठाई वाले जो है, इनके पास ऐसी ऐसी मिठाई मिलती जो कहीं नहीं मिलती, सही ना चाचा? सुलेमान के जो अफलातून है बहुत ज्यादा फेमस है भाईजान। ये अफलातून कितने रुपए किलो है भाईजान? ये देखिए यहाँ पे ये मिठाई है बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे। और नान खटाई जरूर लेके जाओ, क्योंकि ये नान खटाई कहीं और नहीं मिलती है। तो आज मैं देख रहा हूँ आप काफी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, काफी कुछ खरीदा है यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे फेमस क्या है मेरे को थोड़ा बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि अभी हम लोग गए थे माहिम से जाने के बाद में अंधेरी रेलवे स्टेशन में इनकी अम्मी को छोड़ दिया हमने। अब जा रहे हैं हम लोग मस्जिद बंदर, है ना? हाँ, मस्जिद बंदर। तो वहाँ से हमको उतरने के बाद में बाबा रहमान की बारगाह जाएंगे, और फिर वहीं से पास में पड़ता है वो मीनारा मस्जिद बहुत ज़्यादा फेमस है। और रमज़ान के टाइम में तो वहाँ खूबसूरत बहुत शानदार माहौल हो जाता है। तो रमज़ान को लेकर के कैसा माहौल है, कितनी चहल पहल कैसा है, चलो चलते जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखा ताकि समझ में आए आपको। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं मस्जिद बंदर की तरफ, यहाँ से आएगी हमारी ट्रेन। तो हम लोग जाएंगे मस्जिद बंदर, जाओ कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ जाती है ना, बड़ा स्टेशन है, रास्ते में मस्जिद बंदर पड़ता है, वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर हम लोगों को मिलेगी या आ गई, और फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे मोहम्मद अली रोड में और अब्दुल रहमान बाबा की दरगाह। हाँ बेशक, रहमान शाह बाबा की दरगाह जाएंगे डोंगरी। तो चलते हैं मुंबई घुमाते हैं। फाइनली हम लोग मस्जिद बंदर पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं मस्जिद बंदर के अंदर, दिखाएंगे आप लोगों को कैसा माहौल है। तो माशाल्लाह देखिए हम लोग मस्जिद रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं, इसका नाम मस्जिद रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे आज टोटल आपको मुस्लिम भाई लोग देखेंगे, पता है क्यों? क्योंकि पूरी रात में यहाँ पर है ना इबादत वाले लोग जो है ना यहाँ से वहाँ आते जाते, पूरे मुंबई से लोग यहाँ पे इबादत वाले आते जाते हैं। इनका नाम मस्जिद है और यहाँ पे सारे आपको ज़्यादातर मुस्लिम लोग मिलेंगे, और यहाँ पे चारों तरफ मस्जिद ही मस्जिद है बोला जाता है। देखिए माशाल्लाह सारे मुस्लिम लोग मिलेंगे भाई लोग, अभी चलते हैं अंदर, कैसा क्या माहौल है आप लोगों का। तो फाइनली मेरा दोस्त मुझे मिल चुका है, कैसा मेरा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हर बार जब भी मैं मस्जिद आता हूँ मेरा दोस्त मुझे मिल जाता है मस्जिद रेलवे स्टेशन। तो आप सामने देख सकते हैं स्टेशन का नाम है मस्जिद, राइट? तो पहली बात, स्टेशन का नाम मस्जिद क्यों है? दूसरा, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड जो है आज मैं देख रहा हूँ सब ज़्यादातर मुस्लिम है, क्योंकि अभी रमजान चालू है, उसके लिए बहुत सारा क्राउड है, सब शॉपिंग करने और इफ्तारी करने सहरी करने सब मोहम्मद अली रोड पर, सब मोहम्मद अली रोड पर आते हैं। एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहना। सही है, तो मतलब किसी को भी आना हो इधर, अगर मोहम्मद अली रोड में आना है तो कौन से स्टेशन में आना है? ये देखिए भाई, ये मतलब जो सबसे बड़ा स्टेशन है, क्या नाम है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, उससे पहले है ना? ओके। तो फाइनली जैसे कि आपको पता है मैंने पूरा ब्लॉग बनाया है, मगरू बाबा की बारगाह का बना दिया है। अब हम लोग आ चुके हैं मस्जिद रेलवे स्टेशन पे, इसका नाम मस्जिद रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे जितनी भी क्राउड देख रहे हो ना, सब मोहम्मद अली रोड में शॉपिंग करने निकला है, क्योंकि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है ना मीनारा मस्जिद, मोहम्मद अली रोड, और क्या कहते हैं दादा रहमान की बाबा की बारगाह में भी जाएंगे हम, अब्दुल बाबा रहमान की। और दिखाते हैं यहाँ का मॉल कैसा, रमजान का खास करके आप देखिए,
जूम करके दिखाओ, बाजू कराओ, देखो माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड आया हुआ माशाल्लाह। रमज़ान के मौके पे ट्रेन आ गई, तो आप चलते हैं भाई, तो आप चलते हैं यहाँ का मॉल दिखाते, पहले बाबा रहमान की बारगाह की ज़रूरत कराते हैं। ये देखिए आपको क्राउड दिखे ट्रेनों में कैसे भर भर के, रात भर पूरी रात ट्रेन चलती है माशाल्लाह। देखिए रमज़ान के मौके पे स्पेशल ट्रेनें चलती माशाल्लाह, बस कितनी ट्रेन चलती है यहाँ पे स्पेशल रमज़ान के मौके पे? अच्छा, तो कितनी ट्रेन चल रही होगी स्पेशल? पाँच छः, मतलब पाँच है सुनने में आया, पाँच छः चल रही है ना? ठीक है ओके, हाँ माशाल्लाह। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है, और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मस्जिद। ये देखिए, आपको इस एरिया का नाम मैंने सुना था, मस्जिद बंदर क्यों नाम था? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं। देखिए ये मस्जिदों वाला एरिया है पूरा, इसलिए इसका नाम मस्जिद बंदर है ना। चलिए चलते हैं, यहाँ चाचा जान भी है। सलाम वालेकुम चाचा। तो देखिए हमारे चाचा लोग आए, सलाम वालेकुम। कहाँ से चाचा आप? आप कहाँ से हैं चाचा? अच्छा गुवांडी से हो। अच्छा चाचा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं देखता हूँ रमज़ान के मौके में माशाल्लाह बहुत क्राउड हो जाता है, ऐसा क्यों? जी अच्छा, मतलब अच्छा जगह है शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। अच्छा, और स्टेशन का नाम मस्जिद है माशाल्लाह। हाँ अच्छा, ज़्यादा मस्जिदें यहाँ पे मौजूद है इसलिए इसका नाम मस्जिद बंदर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अभी चलते हैं माहौल दिखा। हाँ ये देखिए, स्टेशन को निकलते ही, स्टेशन के बाहर निकलते यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगना शुरू, दुकानें रहती हैं जहाँ पे पहले सिम ले सकते हो आप, है ना। और फिर इसके बाद में लुकमान आया तेल, अगर पैरों में दर्द हो गया तो लोअर वगैरह मिल जाएगी। लोअर पूछोगे कितने की उसके पास? चलो मार्केट वहाँ पहले जाते हैं, मोहम्मद अली रोड, मेन मार्केट मोहम्मद अली रोड में है, वहीं पे दिखाते हैं। और पहले हम बहुत ज़्यादा थक गए, पहले एनर्जी ड्रिंक पियेंगे, पहले जूस पियेंगे, उसके बाद काम करेंगे, सही है ना? पहले एनर्जी ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद देखते हैं। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम सुबह से इतना ज़्यादा थक गए, मेरी बहन और मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गए। तो हम लोग यहाँ पर आए, कितने का जूस है भैया? 30 अच्छा 15 रुपये भैया, मुंबई में आओ मात्र 15 रुपये में भर गिलास जूस पी के जाओ, 15 रुपये राइट। एक चीज होगा जूस पिया हम लोगों ने, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके थे, तो एनर्जी ड्रिंक है राइट। और बाकी और भी मिल जाएगा इधर, दिखाओ कौन कौन सा जूस मिलेगा अपने पास? मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन, ये चीज़। और ये दुकान का है, एरिया का नाम क्या है? मस्जिद बंदर नाम तो है पर एरिया का मतलब एक काठा बाजार। क्या नाम है? काठा बाजार। काठा बाजार से कुछ बता रहे भाई, तो आप आइए मुंबई में, यहाँ पे पी के जरूर जाइए। नाम दुकान का? पद्मा जूस सेंटर। यहाँ से शुरू हो जाती है क्या दुकान? और इसके बाजू की बाजू की गली मारे तो हाँ आ जाता है मीनारा मस्जिद। मतलब मेन ये है कि यहाँ स्टेशन है, स्टेशन से आप जब आप आते हो, स्टेशन से निकलते ही यहाँ पे आपको मार्केट लगना शुरू हो जाता है। और ये मार्केट है खजूरों का, देखिए जैसे स्टेशन से आप बाहर निकलोगे पूरा खजूरों का मार्केट लगा होता है। और हमारे भाई की दुकान है। ये कितने रुपए किलो है खजूर भैया? 240 रुपए किलो। तो देखिए 240 रुपए किलो है, और भी कम ज़्यादा भी होगा? मतलब कितने से स्टार्ट है, कितने में खत्म है? 100 रुपये से स्टार्ट है, 1400 रुपये में खत्म। 1400 रुपये किलो भी है? कौन सा है वो? अरे माशाल्लाह, ये देखिए ये 1400 रुपये किलो वाला है खजूर। इसका नाम क्या होगा भैया, इसका क्या नाम होगा? अच्छा ये वाला है माशाल्लाह, ये सबसे ज़्यादा। 800 रुपये किलो ये 100 रुपये किलो वाला खजूर है, वो 1600 रुपये किलो वाला भाई। तो भाई ये मार्केट इसीलिए है, सही बाजी। ये देखिए सारी पब्लिक शॉपिंग करने के लिए आई हुई ज़्यादातर माशाल्लाह यहाँ पर। ये देखिए पूरा खजूर ही खजूर मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, ये जगह खजूर की मार्केट है पूरा। अभी आगे जा रहे हैं, कहाँ क्या क्या मिलता है ये देखिए, कितना ज़्यादा शॉपिंग कर करके लोग निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखिए बिस्किट वगैरह ये सब टोपी वगैरह पैक करा के लेके जाते हैं ना। अच्छा होलसेल की दुकान है क्या ये? तो देखिए चॉकलेट वगैरह भी लोग गांव जाते हैं लेकर के जाते हैं। ये होलसेल की दुकान है भैया आपकी? ये कितने रुपए किलो में पड़ता होगा या फिर पैकेट पड़ता है क्या? सब केजी के हिसाब से रहता है, केजी के। अच्छा सब केजी के हिसाब से रहता है। कितने रुपए से चालू है, कितने में खत्म है अपने पास? 60 रुपए से चालू है, 560 रुपए में खत्म है।
ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ले लिए? अच्छा सामान संभाल रहे हो, ले रहे हो क्या? अच्छा होलसेल का सामान ले रहे हो। कहाँ से आए अपन? झारखंड से आए हो, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो रमज़ान के मौके पर इस मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं, शॉपिंग करते हैं, और मैं भी आज मीनारा मस्जिद ही जा रहा हूँ और दिखाएंगे आपको कैसा क्या माहौल है। ये देखे यहाँ पे नमकीन वगैरह आपको मिल जाएगी, देखे हर तरीके की नमकीन है अपने पास, हर तरह की नमकीन। तो देखे यहाँ पे जो चाहिए आपको सारी नमकीन आपको मिल जाएगी। सबसे महंगी नमकीन कौन सी है आपके पास? अच्छा सबसे महंगी और सबसे अच्छी नमकीन कौन सी आपकी? कितने रुपए किलो है? 180 रुपए किलो। माशाल्लाह ये क्या है? रोल है। वाह यार कितने रुपए किलो का भाई ये? 180 रुपए किलो। 180 रुपए का किलो, ठीक है भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं जैसे इस मार्केट में दाखिल हुआ टक्कर मार दिया, जैसे मैं इस मार्केट में दाखिल हुआ काफी ज्यादा क्राउड है, सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आए, कोई गाँव जा रहा है देखो भाई कोई गाँव जा रहा है तो कोई गाँव से आ रहा है, शॉपिंग खास करके लोग करके जा रहे हैं यहाँ पे। और ये मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस ही है शॉपिंग के लिए, देखिए बड़े हो बड़े हो यहाँ पर देखिए, सब यहाँ पर देखिए 160 रुपये 240 रुपये झूम करके दिखा देना भाई, ये देखिए यहाँ पे सब में रेट लिखी हुई है जो आपको चाहिए, देखो 400 रुपये भी है आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। ये देखो बादाम काजू भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर पैकेट में, देखिए 300 रुपये किलो 400 रुपये किलो, आधा किलो क्या सॉरी भाई तो आधा किलो भाई 300 रुपये में आधा किलो, ये 400 रुपये का आधा किलो। और एक किलो कितने का पड़ रहा है अपने पास? 700 हो गया, 700 हो गया। अच्छा ये कितने का जाना भी है? 1200 रुपये का, ये 1200 रुपये किलो है भाई। आप आओ इस मार्केट में शॉपिंग करना, ये देखो भाई शॉपिंग करना कहाँ से भाई, अपन दिखाओ ना भाई कहाँ से हो, शॉपिंग करना है तो मतलब ये एरिया सबसे ज़्यादा खाने के लिए फेमस है, काजू बादाम शॉपिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, मतलब खाने पीने की चीज़ें हो या कपड़े की चीज़ें मोहम्मद अली रोड बहुत फेमस है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, खैरियत। अच्छा शॉपिंग करने आया अभी बच्चों के लिए, इसके लिए शॉपिंग करने आए? तो देखिए ये हमारी खाला है, हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, ईद के लिए शॉपिंग करने आई है यहाँ पर। फरारी झूला ऐसे कुछ बोल रहा है हम भाई, लोगों को पता नहीं भाई, बहुत टेस्टी बहुत शानदार है भाई, आप यहाँ पर आओ। ये जगह नाइट मार्केट भी लगता है पूरा, आप यहाँ पर भी जो भी चीज़ चाहिए आपको ले जा सकते हो, कपड़े भी बहुत सस्ते मिलते, देखिए पूरा मार्केट है भाई। ये देखो भाई कितने का भाई? 150 रुपये, मात्र 150 रुपये में आपको कपड़े मिल जाएंगे। डेली लगता है भाई ये मार्केट, मतलब रमजान स्पेशल है या डेली? हर साल लगता है माशाल्लाह। देखिए कुर्ता भी देखिए कितने का भाई जान, ये कुर्ता 200 रुपये और डेली यही लगता है दुकान? ठीक है भाई 200 रुपये में कुर्ता दे रहे भाई यहाँ पे, मात्र आपको जो चीज़ ले सकते हो, बहुत सस्ता मार्केट लगता है। देखिए क्या अरे वाह क्या बात है भाई, जापान पहले, तुम क्या कहना चाहोगे? 100 रुपये में दो बेल्ट, एक के भाव में दो लेके जाएंगे, एक के भाव में दो दो 100 रुपये में दो पीस, देख लो दिखा लो मौका लगे गिरा लो हाथ डालो हीरा निकालो। अरे वाह 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 क्या बात। हाँ बोलिए चप्पल है पब्लिक का जान किधर है भाई, दिलबर भाई के इधर जाएंगे घर पे जाके पछताने के नहीं, पहले दिलबर भाई दे दे चप्पल। क्या बात है बहुत बहुत बढ़िया, कितने का ये चप्पल? ठीक है अरे वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ज्यादा सस्ता, बहुत ज्यादा सस्ता दे रहे हो यार भाई, क्या रमजान में सेल देने का सीजन है, चलता है भाई रमजान में चल रहा है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया भाई, देखिए भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ती चीजें दे रहे हैं शॉपिंग, ये देखिए घड़िया भी मिल जाएगी एक से क्या आपको, ये पूरा मार्केट ही है, ये सबसे ज्यादा फेमस मार्केट है ये माशाल्लाह। कुर्सियाँ मिल जाएगी बर्तन के, ये देखिए आपको मिल जाएंगे, ये देखिए पूरा मार्केट आया, ये देखिए यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉनिक चीज मिल जाएगी, पंखा वगैरह भी मिल जाएगा। भाई से पूछते कितने का है भाई जान, ये तुम्हारा कैमरा कितना होगा जनाब? कौन सा कैमरा? ये वाला, ये हाँ 1850। तो देखिए इनके पास कैमरा भी मिल जाएगा, बाकी घर के लिए काफी चीजें, वो फाउंटेन बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये फाउंटेन कितने का जनाब? ये 1050 का है। आप यहाँ पर आए तो ये भी शॉपिंग करते हुए जा सकते हैं, देखिए काफी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा सस्ता।
पूरा मार्केट ही सस्ता है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है ये। मजे यहाँ पे कपड़े की शॉप है भाई। आजकल कुर्ते जो है ना आजकल बने बनाए मिल रहे हैं और शर्टे वगैरह मिल रहे हैं हमारे भाई के पास। देखते हैं कितने रुपए की है। जी जनाब ये कितने की है? 600। ये 600 रुपए की है। क्या बोलते हैं शर्ट है ये देखिए। अच्छा जैकेट वाली शर्ट है ये, है ना? जैकेट टी शर्ट दोनों है। अच्छा अच्छा मिक्स है। 600 रुपए में सबसे सस्ता माल अपने पास क्या है? अपने पास सबसे सस्ता माल शर्ट है, ये वाली शर्ट। अरे वाह यार शर्ट तो बहुत शानदार है, भाई ने भी पहन रखा है। कितने की है? 250। मात्र 250 रुपए में आपको शर्ट मिलने वाली है। मस्जिद बंदर है ना जी। देखिए अब ये पैंट भी है शानदार है। ये भाई पैंट कितने की? ये पैंट आपको आएगा 650। 650 रुपए में पैंट। और ये कुर्ता तो बहुत चल रहा है जनाब ये वाला। हाँ। इसका क्या है? 800। ठीक है भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इनकी दुकान है यहाँ पे, आपको जो चाहिए आप ले जा सकते हो। और बाजी थक गए और अब आगे जाते हैं। आगे मीनारा मस्जिद है, वहाँ पर भी काफ़ी दुकानें लगती हैं। पूरा मार्केट दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है ये, है ना? बहुत बड़ा मार्केट है। तो शॉपिंग करना है? शॉपिंग कर लिया? कर लिया। अरे वाह क्या बात है भाई ने कर लिया यार। तो ईद की शॉपिंग चल रही है। हाँ सही है। क्या क्या खरीदा अभी तक? अभी शर्ट पैंट खरीद लिया। वाह भाई कितना सस्ता माल मिल रहा है ना इधर। अलग जो वीडियो पर दिखता है कि भाई। हाँ 200 रुपये में? 250 वाला माल 200 में भाई ने ले लिया। क्या बात है बहुत बढ़िया भाई। ठीक है क्या नाम होगा अपना? संदीप भाई। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया जी। पचास रुपये में गिलास कार्ड मिल जाएगा भाई। और क्या चीज़ जहाँ पे आपको 150 250 या 100 रुपये लगते हैं वहाँ 50 रुपये लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई चलिए। ये पूरा मार्केट है, पूरा आगे भी देखते हैं मार्केट। और इनके पास जूते तो भाई बहुत शानदार लग रहे हैं भाई के जूते। ये भाई का है। ये जूते कितने की भाई? 350 रुपये की। जूम करके दिखा दो एक बार। 350 रुपये की जूती। और ये जो ओगी का जूता है ना भाई, ये वाला जूता 1500 रुपये का मिलता है मार्केट में ना। ये यहाँ पर आने के बाद कितने का मिलेगा? 450। मात्र 450 रुपये। मुंबई में आओ 450 रुपये में जूता लेके जाओ। शुक्रिया भाई। और ये हमारे भाई की जैकेट है, शायद जैकेट कितने की भाई? ये कितना? ये भाई जी सर जी कितने की अपनी पड़ेगी? ये वाली मतलब कॉम्बिनेशन है पूरा 1200 रुपये में आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई शुक्रिया। कितने में दो? तेल चाहिए तो ले लो। होलसेल में देते? होलसेल में चाचा? होलसेल में आपको तेल मिला। कितने का चाचा अपने पास? कितना तेल चाहिए? चलो कोई से भी तेल ले जा सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर भी कितने शानदार काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत कपड़े आपको मिलेंगे। जैकेट हो या टी शर्ट हो या कुछ भी सब मिलते हैं। ये देखिए मार्केट में हम आ गए। और देखिए रात का टाइम है, रात के 10 बज चुके हैं। और रात के आप 10 बजे देखिए यहाँ पर रश कितना है माशाल्लाह। इसीलिए फेमस है ये मीनारा मस्जिद का ना, मोहम्मद अली रोड मीनारा मस्जिद हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए पूरी रात यहाँ पर मार्केट चलता है माशाल्लाह। और ख़ास करके शॉपिंग के मामले में सबसे ज़्यादा पूरे मुंबई के लोग और पूरे इंडिया के लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए मुंबई का फेमस मार्केट है भाई। काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पे, सस्ते सस्ते कपड़े आपको मिल जाएंगे। जो आपको चाहिए सब मिलेगा। ये देखिए बने बनाए कुर्ते जो मिल रहे हैं यार, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आ गए भाई बताओ कितने का ये वाला? ये पूरा बना बनाया कुर्ता है क्या? बना बनाया कुर्ता है भाई, बहुत शानदार लग रहा है। मात्र 2000 में। कम ज़्यादा भी हो जाएगा कि इसमें? थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर इस मार्केट में अगर आप आओगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एक से एक का पैटर्न आ गया भाई, बोल रहे हैं मुंबई का माल। क्या बोलते हैं मुंबई का माल? इधर है आपका ध्यान, किधर है? सही है मेरा भाई। कौन सी मस्जिद है? माशाल्लाह देखिए जकरिया मस्जिद पहुंच गया। यहाँ पे माहौल देखिए, ये माह रमजान का माहौल है। और सजावट बहुत खूबसूरत होती है यहाँ पे देखिए। और ये क्या नाम है? खुतबे कोकन, खुतबे कोकन मखदूम अली माही हेलो ब्रिज का नाम है इसका। देखिए और मुंबई सबसे ज़्यादा फेमस है शॉपिंग के लिए, खास करके मोहम्मद अली रोड। ये कौन सा रोड है? ये मस्जिद बंदा मोहम्मद अली रोड है ना।
और माशाल्लाह हमारे भाई की दुकान है, कभी भी आओ कुछ भी चाहिए ले जाओ। कितने कितने कपड़े स्टार्ट है और कितने वक्त तक? 300 रुपए से शर्ट स्टार्ट है, 1000 रुपए तक ये सब वैरायटी है। अच्छा 300 रुपए से स्टार्ट है और 1000 रुपए तक? माशाल्लाह। तो मुंबई में हर जात की क्वालिटी है, हर जात की। माशाल्लाह मुंबई में आना है तो शर्ट जरूर लेके जाना है। अरे तो मैं जकारिया मस्जिद के सामने आया था माशाल्लाह, जहाँ पे हमारे भाई मिले, हमारे वहाँ के राजस्थान के, कहाँ के आपको? राजस्थान जालौर से। जालौर से भाई, इनकी दुकान यहीं पर है, कभी भी कुछ भी लेना हो, मेडिसिन वगैरह कुछ भी लेना हो तो यहाँ पे आप आकर ले सकते हो। नाम क्या होगा? UHP मेडिकल। माशाल्लाह ठीक है भाई, हमारे राजस्थान वाले भाई है, इनकी मोहब्बत है। बोले खान भाई हमारे शहर में आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको खा के पी के जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई अभी तो वीडियो बनाने में बिजी, तो बोले एनर्जी ड्रिंक लेके जाओ। HPP। तो भाई की दुकान पे आइए, 150-150 रुपये में ईद का कलेक्शन है, बहुत अच्छा है। तो आइए 150 रुपये में शेरवानी मिलेगी, आप भी आइए और अपने पूरे फ्रेंड्स को लेके आइए, भाई की दुकान से बाय कीजिए, तो बहुत अच्छे है। बच्चों का बड़ों का बुड्ढों का बाप का दादा का चाचा का सबका मिलेगा, तो आओ और अपनी ईद की शॉपिंग कर ले जाओ भाई की दुकान। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह, हम लोग यहाँ पर मुंबई के मोहम्मद अली रोड में आए थे, जहाँ की देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत प्यारी है। इसको ये देखिए, मीनारा मस्जिद के पास में ही जकरिया मस्जिद है, जो कि सेम मीनारा मस्जिद की तरह लगती है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है ना चाचा। ये देखिए, चलिए आप चलते हैं, आपको पास से दिखाते हैं कैसा क्या माहौल है। ये देखिए सुभान अल्लाह, अब मीनारा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं हम लोग, वहाँ का भी दिखाएंगे माहौल। ये जकरिया मस्जिद का माहौल है, और ये देखिए सामने ब्रिज में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है, देखिए सुभान अल्लाह। यहाँ पे ये मार्केट कितने बजे तक खुला रहता है? ये वाला ये भी रात भर खुला रहता है भाई। अब गलियों से हम गुजर के जा रहे हैं, हाँ अब भी तरह भी छुट्टी है। देखिए यहाँ पे भी क्राउड देखिए माशाल्लाह, आपको चारों तरफ क्राउड ही क्राउड नजर आएगा। अभी यहाँ पे कुछ नया दिखाएंगे आपको, क्या मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए अभी तरह भी छुट्टी मस्जिद से माशाल्लाह, और आपको अंदर से मस्जिद दिखाते हैं कैसी है। ये देखिए पुराने ज़माने के दरवाजे जैसे होते हैं वैसे दरवाजे यहाँ पे लगे हुए हैं, और कितना अच्छा मेहराब बना हुआ, कितनी अच्छी सजावट हुई है, देखिए सुभान अल्लाह। और ये मुंबई की जितनी भी मस्जिद है आपको कुछ इस तरीके से बड़ी खूबसूरत प्यारी मस्जिद दिखेंगी, सुभान अल्लाह। ये देखिए मीनारा मस्जिद का बैक साइड का एरिया है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है ना। ये मीनारा मस्जिद का बैक साइड एरिया है, अभी हम लोग जा ही रहे। ये देखिए पूरा यहाँ पे माहौल होता है, काफ़ी खूबसूरत सजावट होती है। इसका कोई सहारा नहीं है, ये बड़ी उम्मीद लेकर अपने दरवाजे से आया है। कितना खूबसूरत प्यारा यहाँ पे सजावट हुई है माशाल्लाह। ये पूरा मार्केट देखिए सजा दिया जाता है, खास करके इस माहौल पे रमजान के मौके पे। वाह सुभान अल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे सजावट करी गई है रमजान के मौके पे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या चीज, क्या क्या फेमस है यहाँ पर? हर चीज फेमस है, टोपी, खाने की चीजें, हर चीज, एवरीथिंग फेमस है, हर चीज फेमस है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मुंबई की फेमस मीनारा मस्जिद में, यानी मोहम्मद अली रोड। और ये मोहम्मद अली रोड जो है ना, खाने पीने के मामले में बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे ऐसी तरह तरह की आपको डिश मिल जाएगी जो की कहीं नहीं मिलती है, कपड़े से लेकर के खजूर से लेकर के जो भी आपको चाहिए ये मार्केट में आपको मिलता है। अभी हम लोग चलते हैं मस्जिद के पास, कैसा क्या माहौल है दिखाते हैं आपको। आइए देखिए यहाँ पे आपको टोपी वगैरह भी मिल जाएगी माशाल्लाह। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत टोपी मिल जाती है, खास करके ये टोपी कांच वाली बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक ये भी, ये भाईजान अपनी किस अपनी है ये टोपी? कितने की जनाब? कितने की? 100 रुपये की है। 100 रुपये की, देखिए भाई काफ़ी खूबसूरत टोपी है। मीनारा मस्जिद पर आओ और ये टोपी ज़रूर लेके जाओ, डेली यहीं लगती दुकान। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा ये अलग है क्या? अच्छा सेम है ना, इस एरिया में सारी मस्जिद इसलिए। अच्छा भाई शुक्रिया। अच्छा मीनारा वो वाली होगी। अच्छा ये साफी मस्जिद है ना? ठीक है, सेम दिखती तो थोड़ा मालूम कन्फ्यूज़न हो गया मैं। आइए आप चलते हैं, थोड़ा सा खाने पीने का भी दिखाते हैं। ये देखिए पूरा मार्केट बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। ये वाला मार्केट पूरा खाने पीने का है? अच्छा ये पूरा खाने पीने का। नहीं कच्चा या पका हुआ? कच्चा। सारी इबादतों में इबादत नमाज है, ऐ मोमिनों ये दीन की दौलत नमाज है। सारी इबादतों में इबादत नमाज। ये अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं?
मीनारा मस्जिद की गली में ही है। तो ये खाने पीने का मार्केट है, क्या बोलते हैं इसको? खाओ गली। यानी यहाँ पर आओ और खा के जाओ। चलिए भाई, यहाँ पे देखिए जूस मोहब्बत शरबत भी मिलता है इधर भी। तो भाई मुंबई में भी आपको मोहब्बत का शरबत मिलेगा, दिल्ली में तो मिलता ही था, अजमेर में भी मिलता था, अब भाई मुंबई में भी मिलेगा। भाई अपना मोहब्बत का शरबत की तरफ करो। अरे दिल्ली के हो क्या भाई? अपने दिल्ली के ही है माशाल्लाह। क्या बात है, कितने रुपये का होगा भाई अपना? इसका भी 50 का भी है। तो ये तो मोहब्बत हो गई, मोहब्बत ये नफरत है क्या? नफरत है। अरे नफरत भी चले, नफरत भी बेच की है, मतलब किसी के लिए भेदभाव नहीं, नफरत मोहब्बत से मिलेगी। अब ये क्या है? ये मैंगो है, इसमें मिठास बढ़ जाती है। चलिए भाई, नफरत होने के बाद मिठास बढ़ जाएगी, मैंगो पी के जाओ। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए वाला पाव वगैरह, पाव भाई, ये वाले पाव तो मैंने पहले देखे थे, यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ मैं। 40 रुपये का पूरा ये पाव का मिल जाएगा आपको, क्योंकि मुंबई में ना सबसे ज़्यादा फेमस ही पाव है। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह रमज़ान के मौके पर सजावट होती है, और यहाँ पे भीड़ रात के 10:30 बज चुके हैं, और 10:30 बजे इतने पाव है यहाँ पे माशाल्लाह की पूछ ही मत। रात को आपको बिरयानी मिलेगी, शाही बिरयानी बहुत फेमस है। भाई हम लोग पूरा मेन मार्केट में आ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या ना कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मीनारा मस्जिद तो जा रहे हैं, पर वो सबसे ज़्यादा खाओ गली में क्या क्या फेमस है थोड़ा बताओ मेरे को। खाओ गली बताया है ना, सबसे ज़्यादा क्या फेमस है यहाँ पर? ये देखिए भाई सजावट देखिए मस्जिद में, कितनी प्यारी खूबसूरत सजावट हुई है यहाँ पर। ये वाला देखिए यहाँ पर, ये पूरा बंद कर दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये पूरा रास्ता, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है ना, तो ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। ये देखिए ये भी रास्ता है पूरा जाने का, इधर से भी आप लोग जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत प्यारा सजावट हुई है यहाँ पर इस बार भी। और ये देखिए यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको जगह जगह पे, या खजूर खाने पीने की चीज़ें। ये मुंबई है भाई, मुंबई बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिए मुंबई में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, मस्जिद। ये भाई कितने रुपये गिलास होगा जनाब? ये हाँ 50 रुपये गिलास है, कोई सा भी ले सकते हो, मुझे तो यहाँ नारियल पानी भी मिल रहा है। भाई कैसा टेस्ट है यहाँ का? एक नंबर। आप लोग कहाँ से भाईजान? धरावी से, मतलब मुंबई के कोने कोने से जो पब्लिक होती है खास करके रमज़ान के मौके पे यहाँ पे आती है, चाहे खाना पीना हो चाहे शॉपिंग करना हो, तो मतलब रमज़ान स्पेशल होता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे भाई ने देखे काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर ली है। ठीक है, तो ईद की शॉपिंग हो गई। ठीक है, बहुत देखिए भाई मीनारा मस्जिद के पास का माहौल, इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड होता है, देखिए सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे आप पब्लिक देखिए यार, जगह नहीं है यहाँ पे। कैप देखिए टर्किश वाली इन्होंने पहन रखी है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे टर्किश वाली कैप पहन रखी है इन्होंने, और मैं शायद रॉन्ग साइड से चल रहा हूँ। अच्छा ये दुकान इतना फेमस क्यों है भाई? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब टर्किश टोपी पहन रखे, ऐसा क्यों? मतलब वो लोग का एक लिबास है, जैसे हाँ। पता चल सके हाँ ये लोग वर्कर्स है, यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके लिए वैसी टोपी पहन के रखे। तो ये सारी दुकान एक है या अलग अलग है? एक ही है पूरी सारी दुकान एक है। एक है तो क्या क्या स्पेशल है इनका? बहुत सारा स्पेशल, पूरा कैटलॉग देखना पड़ेगा अपने जब पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी पुरानी शॉप है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जारी ना आती। देखिए आप जहाँ पर भी देखेंगे क्राउड ही क्राउड आपको नजर आएगा। फिर चलते हैं पूछते हैं, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं। अपन का ये लोकल है भाई? लोग पालघर लोकल। अरे पालघर से आए। अच्छा ये बताओ भाई सबसे ज्यादा यहाँ का फेमस क्या है? अभी टेस्ट नहीं किया भाई हम लोग, अभी टेस्ट करने आए हैं, कुछ नया टेस्ट करना है आप? चलिए बहुत बढ़िया, मुंबई का कुछ नया टेस्ट करना है जी। आप लोग भी कहाँ से हैं आप लोग भाई? इधर के लोकल है। अच्छा लोकल है भाई, आप लोकल हैं, मैं अजमेर शरीफ से हूँ,
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह रमजान में रौनक बहुत है, और खास करके ये चार पांच दुकानें में थोड़ा बताओ यहाँ का क्या फेमस है। नल्ली निहारी बहुत फेमस है। अच्छा नल्ली निहारी का, अच्छा मतलब सबसे ज्यादा फेमस है नल्ली निहारी, और उसके साथ भेजा फ्राई। भेजा फ्राई और उससे अच्छा फेमस है जी चिकन भर्रा। चिकन भर्रा तो मतलब हर चीज यहाँ पे नया है, हर चीज नया है। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद ये घर जाएगा, अरे घर भी जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तो चलिए अभी चलते हैं और भी आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा क्या माहौल है। ये देखिए यहाँ पे पूरा कपड़ा वगैरह शॉपिंग वगैरह का है। यहाँ पे देखिए एक से एक के ब्रांडेड कपड़े, एक से एक के आपको कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ये हमारे छोटू, इधर आओ। यहाँ पर अपने पास क्या क्या मिल जाएगा? अच्छा ये कितने कितने रुपए के हैं अपने पास? जैसा जो चाहिए वैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये शर्टें हैं देखो कुछ नई लग रही हैं, देखते हैं कितने के। भाई ये वाली शर्ट कितने हुई जनाब? ये कितने की होगी ये वाली शर्ट? 530। देखिए 530 रुपए में काफ़ी खूबसूरत शर्ट है भाई, ये आप ले जा सकते हैं यहाँ पर मीनारा मस्जिद के जस्ट पास में ही। भाई यहाँ पर रौनक तो देखो यार, मतलब क्राउड ही क्राउड है। आपको जहाँ पर भी जगह देखोगे ना आपको भीड़ भीड़ नज़र आएगी, मतलब कह सकते हो आप पैर रखने की जगह नहीं है भाई। आज सच में मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसी जगह ले आया कि जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता था। सोचा बिचारी मत करो। ये देखिए रमजान को लेकर के यहाँ पे काफी खूबसूरत सजावट होती है। ये भी सारी दुकान एक ही लगता है भाई। ये होटल क्या नाम है इसका? साहिल। देखिए मीनारा मस्जिद की गलियां हैं, चारों तरफ आपको यहाँ पे क्राउड ही क्राउड नजर आएगा। ये देखिए यार चार मीनार, क्या बात है। देखिए चार मीनार बनाया हुआ है इस रमजान के मौके पे, काफी खूबसूरत। दिखाते हैं पास से, वाह यार शानदार है। काफी पूछते हैं यहाँ पे चार मीनार का है क्या फेमस यहाँ पे। ये देखिए भाई चार मीनार, तो आप देख सकते हो हम लोग मीनारा मस्जिद के जस्ट सामने चार मीनार को देख रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल यहाँ पे चार मीनार बनाया गया है। अच्छा हैदराबादी हली में क्या? वही मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह चार मीनार, क्या बात है। बोलो कितने की होगी भाई? भाई हलीम कितने का? 200-300। अच्छा ठीक है, आपको हलीम मिल जाएगी। चलिए भाई यहाँ पे देखिए क्राउड माशाल्लाह, ये पूरी रात यहाँ पे क्राउड ही क्राउड। तो ये देखिए हमारे भाई की दुकान है, पिछली बार मैंने बनाया था यहाँ का वीडियो, और अभी रमजान में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। ये देखिए एक मिनट भाई थोड़ा सा अरे मेरी जान क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे भाई मिल चुके हैं माशाल्लाह, जिनका मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया था, और अभी रमजान स्पेशल चल रहा है, काफी ज्यादा क्राउड है, मैं बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ वीडियो। तो भाई अभी क्या क्या अपने पास मौजूद है इस टाइम बताइए जी? जी माशाल्लाह अजमेर से आए ना। हाँ देखिए हमारे चाचा हमें पहचान गए, हमारी वीडियो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी तरीके से लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। ये देखिए शाही टुकड़ा, ये कितने का भाई? शाही टुकड़ा कितने का है? 50 रुपए का। देखिए शाही टुकड़ा आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। ये देखिए खास करके इनके जलेबी है मावे वाली, बहुत ज्यादा फेमस है। कह रहा हूँ अपने पास सबसे ज्यादा खाने पीने में क्या फेमस है? है स्पेशल मालपुआ है। 1500-1700 रुपए का स्टार्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो आप यहाँ पे आप देखो क्राउड इतना ज्यादा है कि भाई मैं ढंग से खा भी नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे आओ पैक करा के ले जाओ। सही ना भाई? अरे क्या बात है, मतलब इनकी भी दुकान है, ये भी पैक कराने के लिए आए भाई। क्या बात है, सही बात है भाई। तो मैं जरूर खा के थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि रिक्शा ले रहा हूँ मैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मावा जलेबी। मावा जलेबी मुंबई में आओ, मावा जलेबी जरूर खा के। कितने रुपए किलो होगी ये? उसके 360 रुपए किलो, 400 रुपए किलो ऐसा चलती है। कितना ज्यादा भीड़ है, धक्का मुक्की चल रहा है इधर पे, पर कोई बात नहीं, अच्छा है माहौल, बहुत बढ़िया माशाल्लाह जैसा भी। ये देखिए मीनारा मस्जिद हम लोग पहुंच गए माशाल्लाह, और जहाँ पे भी आप नज़र मारोगे ना क्राउड ही क्राउड नज़र आएगा। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए रमज़ान के मौके में कुछ ऐसा मॉल,
ये देखिए यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत माहौल है माशाल्लाह, और ख़ास करके रमज़ान के मौके पे मीनारा मस्जिद और मोहम्मद अली रोड में खाओ पियो आ सकते हो। अच्छा ये क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? 70 रुपये। कितने रुपये किलो भाई जान? ये 400 रुपये। 400 रुपये किलो। अगर आपको चाहिए खजूर वगैरह ये सब मिल आपको मिल जाएगा, नान खटाई वगैरह भी मैं आपको बताता हूँ चल के। खास करके आप ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा मॉल है, बस पहचान गए आवाज़ से मुझे मालूम था। तो देखिए सुभान अल्लाह काफ़ी खूबसूरत मॉल है। और अगर कोई बंदा मुंबई आ रहा है अजमेर राजस्थान से हो या कहीं से भी ओल्ड मुंबई से, तो यहाँ पे क्या क्या ले जाना चाहिए उसको गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पर? तो ये क्या फेमस आपके यहाँ से? जी रूहे सोना। रूहे सोना इसे मत खोना भाई, ये है रूहे सोना इसे मत खोना। कितने रुपये किलो? 1200 रुपये किलो। और क्या ले जा सकते हैं? अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर आया तो कुछ कम ज्यादा भी हो जाएगा? मिस्टर खान नाम बताएगा तो बात। अरे वाह क्या बात है, मेरे लिए 200 रुपये का डिस्काउंट है भाई, बहुत शुक्रिया भाई का। अब चलते हैं मॉल दिखा देंगे। हाँ आप लोग जा रहे हैं मीनारा मस्जिद के अंदर, कैसा क्या माहौल है, कितनी सजावट हुई है, अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को चल के माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जाम कर दिया रोड। ये देखिए चारों तरफ आपको रौनक है रमजान, बरकत है रमजान। मीनारा मस्जिद के अंदर का माहौल दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर। अरे वाओ क्या इसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते? ये देखो हमारे भाई लोग खा रहे हैं, कैसा लगा टेस्ट? शानदार है ना? तो भाई कितने रुपए का भाई अपने पास ये? 50 रुपए का। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी लो सब 50 का है। ठीक है भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए मीनारा मस्जिद है सामने, सलाम वालेकुम। मीनारा मस्जिद है और अब हम लोग मस्जिद दिखाते हैं आप लोग, वो चल के अंदर से कैसा माहौल सजाओ। देखिए पूरी चारों तरफ आपको कितना खूबसूरत रौनक है, ये रौनक है रमज़ान है भाई। जहाँ पर भी देखोगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जाति धर्म के लोग इस टाइम आते हैं, और जो टेस्ट यहाँ मिलता है वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बन रही, देखिए नया नया टेस्ट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। ये देखिए जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सब कुछ मिलेगा माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से तैयार होता है, यहाँ का लगता है सूप बहुत फेमस है। क्या ये क्या चीज़ अंकल जी? चिकन सूप है, जवान सूप है। चिकन सूप है, जवान सूप है। जवान सूप भी है क्या? कितने रुपए का है ये? ये जवान सूप है 280 का, चिकन सूप है 290 रुपए का। ठीक है माशाल्लाह। तो मतलब ये दुकान कहाँ पर है आपकी? ये मीनारा मस्जिद के लिए स्पेशल, खाली एक महीने के लिए खुलता है, रमजान के लिए स्पेशल। दोनों हाथ से खाते इधर गुर्दा भेजा सब। ये क्या है? ये गुर्दा बन रहा है देखो। और भेजा कहाँ है? भेजा है देखो, अभी बन गया के अंदर डाले। अरे वाह माशाल्लाह। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं मुंबई के अंदर हूँ, आज पहली बार मैंने जुबान का सूप, पहली बार मैंने यहाँ पे देखा है जुबान का सूप भी मिलता है, चिकन का सूप भी मिलता है। मैं इतनी जगह में गया हूँ चिकन खाया हूँ, पर आज हम लोग चिकन को पियेंगे। पहली बार कह रहा हूँ ना, मैंने पहली बार जुबान से सूप पिया था, पर आज जुबान का सूप पीऊंगा। और पहली बार चिकन पहले खाया था और पहली बार चिकन का सूप हम पिए। तो फाइनली अब आप लोगों को मीनारा मस्जिद के अंदर मैं लेके जा रहा हूँ, और दिखाते हैं आपको कैसे लगती है अंदर से मीनारा मस्जिद। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी माशाल्लाह ये मस्जिद है। और मुंबई की ये जो ये एरिया है यहाँ पे दरगाह शरीफ भी देखिए आप सामने मौजूद है माशाल्लाह। और मुझे लगता है इस एरिया की ये सबसे बड़ी और आलीशान खूबसूरत मस्जिद है। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में अच्छे से पूरी जानकारी करके नेक्स्ट पार्ट नई वीडियो में बताऊंगा पूरा। ये मीनार सूट यहाँ क्या मिलते हैं? मिठाई यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ये देखिए सुलेमान उस्मानी मिठाई वाले जो हैं, इनके पास ऐसी ऐसी मिठाई मिलती जो कहीं नहीं मिलती, सही ना चाचा? तो देखिए माशाल्लाह ये मिठाई है इनके। ये कौन सी मिठाई है चाचा? मावा मावा खाजा है देखिए यहाँ पर। ये देखिए ये भी मिठाई है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो आपको चाहिए। कितने रुपए किलो का अंकल जी ये?
460 रुपए किलो है। देखिए जैसी मिठाई चीज जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा, जैसा भी जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा यहाँ पर। खास करके मिठाइयों के मामले में यहाँ पर जो है ना अफलातून बहुत ज़्यादा फेमस है माशाल्लाह। सुलेमान के जो अफलातून है बहुत ज़्यादा फेमस है। भाईजान ये अफलातून कितने रुपए किलो है भाईजान? अच्छा दाम सबके लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मिठाई है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। जो मुंबई में लोग आते हैं वो ये मिठाई ज़्यादा लेकर के जाते हैं अफलातून की खास करके। देखिए तो ये देखिए हमारे भाईजान लोग हैं माशाल्लाह। सलाम वालेकुम। तो आज मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी कुछ खरीदा है यहाँ पे। तुम्हारे यहाँ पे फेमस क्या है मेरे को थोड़ा बताओ। हमारे इधर हम खाने को आए। अच्छा वही बोल रहा हूँ कि क्या क्या लिया आपने यहाँ पे? हाँ अच्छा अच्छा ये सब ज़्यादा फेमस है इधर पे। आप लोग कहाँ से? कहाँ पर? अच्छा अच्छा मतलब यहीं पे मुंबई पे ही। अच्छा ठीक है माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अभी क्या क्या शॉपिंग कर लिया आपने? अभी खाने के लिए आए, बाकी ईद की शॉपिंग अभी बाकी है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो देखते हैं आप सारी? अच्छा तहे दिल से शुक्रिया। देखिए हमारे भाईजान लोग हमारी वीडियो देखते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया। कैसे लगती है मेरी वीडियो? आपको इन्फॉर्मेशन पूरी बॉडी चली जाती है। अफलातून के बाद में सबसे ज़्यादा जो लोग लेकर के जाते हैं वो लेकर जाते हैं नान खटाई, यहाँ की फेमस है। ये नान खटाई 440 रुपये किलो, ये 460 है और ये 440 ये भी है। और मुंबई में आओ और नान खटाई ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि ये नान खटाई कहीं और नहीं मिलती, अजमेर में या मुंबई में मिलती है नान खटाई। और क्या अफलातून, चलिए और दिखाते क्या क्या है यहाँ पर।